सो हेलो ऑल गाइस, मैं राजू। सो गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। आज का जो ब्लॉग होने वाला वो थोड़ा मैं अलग करने वाला हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग हमारे ब्लॉग्स पे काफी ज्यादा प्यार देते हो और हमें बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के बीच में ब्लॉग्स बनाना। सो चलिए आज का ब्लॉग्स भी शुरू करते। तो सबसे पहले आप लोग आज का ब्लॉग का टॉपिक बता देते हैं। तो जो रोशनी जी है वो मेरे को धोखेबाज सोच रही है। हाँ, तो अभी तक मैंने उसको सच बताया नहीं है क्या सच है क्या नहीं, और वो मेरे ऊपर मतलब शक कर रही है। तो ये बात दीदी को पता है अच्छा से, क्योंकि मैं दीदी को बता के रखा हूँ ये प्रैंक है, और एक दिन का प्रैंक नहीं है ये प्रैंक अभी तक मैं खत्म नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि अभी कुछ दिन मजा लेते हैं, रोशनी का रिएक्शन देखते हैं और फिर आप लोग को भी मजा आएगा। तो अभी मैं रोशनी को पास जाऊंगा और वो मतलब छत में अभी है, तो वो मेरे पास मोबाइल मांग रही थी, बोल रही थी कि मेरे को इंस्टाग्राम से वीडियो बनाना है, मेरे को मोबाइल दो। तो मैं मोबाइल नहीं दिया, मैं बोला नहीं मैं मोबाइल नहीं दूंगा, मेरे सामने ही बना। तो उसको और ज़्यादा शक हो रहा मेरे ऊपर। सो चलिए अभी उसके पास जाते हैं और फिर उसको चिढ़ाते हैं और बोलेंगे सच में मेरे पास मेरा गर्लफ्रेंड है वगैरह वगैरह। चलिए देखते हैं अभी क्या होता है। सो मैं अभी चुपचाप से जाता हूँ, आप लोग खाली बने रहिएगा दोस्तों और इस ब्लॉग का इंजॉय कीजिएगा। तो मैं छत पे आ चुका हूँ अभी। बाप रे, गाइस ये तार जो है देख सकते हो, ये तार से लग गया मेरे को कपड़ा जिसमें टांगा जाता है। सो अभी मैं आ चुका हूँ अपने पुराने छत पे। तो यहाँ पे देख सकते हो ऋत्विक है, रोशनी है, काहे क्यों तो रील बनाइए, तो मेरे सामने बनाइए। हम तो बोले फोन देगा तुमने बनाएंगे क्यों, फोन का क्या काम है, रील बना दे रहे हम, बना दे रहे हम, पोस्ट कर दे रहे हैं। क्यों तो आप मेरा बारे में क्या क्या बोले थे वीडियो में? अभी तो उसका हम 1% भी नहीं बोले हैं, बोले क्या अभी? अच्छा, मेरे को उल्टा शक कर रही है। आपका एयरटेल बैंक में पैसा? सो मेरा बारे में आप जोशो क्यों बोले? बोले क्या अभी, मुंह खोले नहीं है, खोले क्या? क्या किए आप? आपको नहीं वीडियो बनाना है, क्या किए बोल, तो यही तो पूछ तो रहे हैं। क्या किए हम, किए क्या है? किससे बात करता है रोज, हमको बोलता है, दो दिन पूछ लिए, एक दिन वीडियो में भी दिखा दिया, अब हमको नहीं बनाना। तो मैं किसी से बात नहीं कर रहा, रील बनाएंगे, हमको बकवास नहीं करना है बस। क्या हमको रील बनाने से मतलब है? मोबाइल नहीं देंगे अकेले। दो दिन इसका हम थोड़ा सा बता दिए आप लोगों को, तो इसको मिर्ची लग गया है, इसलिए आज से हमको फोन ही देना बंद कर दिया है, इसलिए हम ब्लॉगिंग नहीं करेंगे। मेरे ऊपर शक कर रहे हैं आप जो सो चीज का, आप बता दो, आप बता दो कि किससे बात कर रहे थे? बस फ्रेंड से बात कर रहे थे ना, तो दिखा दिए आपको ना उस दिन, दीदी से पूछ लीजिएगा फ्रेंड से बात कर रहे थे। थोड़ा सा आप लोगों को बताते ठीक है। अभी आरएस क्या बोलता है, हमको कोई भी फेस्टिवल हो, कोई भी पूजा पर्व हो, कहीं पे भी शादी हो, हमको जाने का मन ही नहीं करता, हमको एंजॉय ही नहीं लगता पहले जैसा। हम बोले ठीक है, तो आरएस एंजॉय नहीं करता है, तो मेरा भी बोरिंग चल जाता है, पूजा पाठ कुछ भी हो मेरा भी बोरिंग जाता है। सो कल शादी में काहे गए, परसों शादी में काहे गए अकेले अकेले? अच्छा, तो मैं फोन करके आपको पहले सबसे पहले बोला क्या, शादी घर जाएंगे? पापा जी मेरे को बोल रहे थे जाना ही होगा, क्योंकि पूरा फैमिली को इनवाइट किया था। ठीक है, कल वाला शादी, परसों वाला शादी में परसों वाला कोई जाने वाला नहीं बोला था, कोई भी परसों वाला शादी में भी हम बोले थे, तो आप बोले तुम ही चल जाओ, हम नहीं जाएंगे, हमको मन नहीं, क्योंकि आरएस ऐसा मूड रखता है कि जाने का मेरा कोई फायदा नहीं होता है, समझ में? और पता है क्यों जाता है, अकेले लड़की बाजी करने के लिए जाता है, और एक लड़की के साथ खाने भी बैठा था, हम देखे हमको बहुत कोई कंप्लेन भी किया, एक लड़की के साथ राजू खाने बैठा था। अच्छा, वो भी लड़की सबसे गंदी लड़की है गांव की उसके साथ। अच्छा, और मैं बैठा था, आपके पास प्रूफ है? ठीक है, जो प्रूफ है आप दिखाइएगा, मैं तो मेरा सामने बैठा होगा लेकिन मेरे साथ बगल में नहीं बैठा होगा। एक चेयर में चार जन बैठता है, तो बैठा था कि नहीं? और एक चेयर में चार जन बैठता, तो एक तरफ हम थे और एक तरफ एक ठो बच्चा था, और उस तरफ वो थी, तो आगे हम लोग बैठे थे, उसके बाद वो आके बैठी थी। तो आप उठ जाते हैं, आप इतना ही अच्छे थे, तो हम क्या कुछ किए हैं क्या, उठ क्यों जाएंगे वहाँ से? अब तो वो ऊपर से हो गया है, तब सोच रहा कि किसी और का मुँह से ये सुनेगा ही, उससे पहले हमको फोन करके बोल रहा इसका बहन हमको ऐसे ऐसे बोल रहा था, मेरा दिमाग खराब कर रही थी। अच्छा, तो अगर हम नहीं चाहेंगे तो कोई आके हमसे बात कर लेगा, इतना किसी बात कर रहा था, तो हम उसको कुछ खराब बात थोड़े किए, उसको हम दीदी बोल के ही बात किए, दीदी बोल के बात किए, इस तरह हो गया, एक दूसरा आगे
शादी में पता नहीं मतलब आर पार हो रहे थे, सटा है क्या नहीं, एक लड़का उसमें बवाल मच गया था घर में, अलमारी टूट गया था, चेयर टूट गया था, हम जबकि कुछ गलती ही नहीं किए थे, अगर इस तरह हम उसके साथ बैठ के खाना खाते तो पता नहीं क्या हो जाता। अच्छा, आपको जेलस होता है जिस तरह, तो मेरे को भी तो होता है ना। हम कुछ किए थे क्या किए थे? आप हमको इतना ही बताइए कि आप अगर इतना ही अच्छे थे तो वहाँ से उठ जाते, भैया भाभी के पास जाके बैठते। कहाँ पे भैया भाभी? जहाँ पे था वहाँ पे खाली नहीं था सीट, ठीक है। एक मिनट, अभी हम दिखाएंगे खाली था कि नहीं था। ठीक है, ठीक है। तो पहले भैया भाभी बैठा था, उसके बाद वहाँ पे चाचा भी आया था। ठीक है, चाचा भी बैठा, तो वहाँ पे नहीं हुआ। आपको पता है वो लड़की कैसी है कैसी नहीं, फिर तो, बैठे थे। तो हम नहीं बैठे थे आगे, ठीक है, वो आके बैठे, और ऊपर से हम उससे कुछ बात भी नहीं किए, वो बोल रही थी रोशनी को नहीं लाई, हम बोले नहीं आई है रोशनी। आलस कैसे चल जाता है अकेले शादी में, हमको तो पता ही नहीं, मतलब शादी के बाद कोई कैसे अकेले मुंह उठा के चल जाता है कोई। तो शादी के बाद गई, आप ही लोग बताइए, शादी के बाद क्या अकेले लड़का शादी घर नहीं जा सकता है? बहुत अच्छा, बहुत सा शादी घर ऐसा भी होता है जिसमें मैं अटेंड नहीं करता, तो मम्मी लोग के साथ आपको नहीं भेजते हैं? कहीं भी हम पूजा पाठ में नहीं गए, आपको नहीं भेजते हैं? कौन पूजा पाठ? कहीं भी कुछ पूजा है, अगर हमसे झगड़ा है तो हम क्या बोलते हैं, नहीं जाना होगा, घर में ही रहो। तो हम तो आपके मम्मी के साथ जाते हैं। वही तो बोल रहे, तो मैं, हम लड़का है ना, तो हम अकेले नहीं जाएंगे ना, हम किसको, पापा का हाथ पकड़ के जाएंगे। क्या होता है अगर मेरे साथ शादी में भी गया तो मेरे साथ वो खाने नहीं बैठता, किसी और जगह में जहाँ पे लड़की लोग होती है वहाँ पे। अच्छा, और आपको हम कहाँ छोड़ देते हैं? अकेले मम्मी के साथ बैठते हैं, या फिर भैया भाभी लोग जाता है उन लोग के साथ बैठते हैं। याद है ना, छोड़ के चल गया था एकदम उधर कोना में, जिधर तो हम नाम नहीं ले सकते, जो लड़की लोग थी उधर जाके बैठा। तो ऐसा क्यों होता है? रिश्ता चलाना है तो दोनों ओर से चलेगा, एक ओर से रिश्ता नहीं चलेगा। अच्छा, साथ सीधा बात है, बस। देख सकते हो गाइस कैसे कैसा बात कर रही है, ये तो सच है, एकदम सच है ना, सही है, सच है। मैं, मेरा गलती में, और आपका अच्छा, गलती कोई गलती मेरा क्या, हम क्या किए? कोई लड़की से आप बोलवा दीजिए, या किसी लड़की क्यों बोलवाए, तो आप ही बोलवा दीजिए किसी लड़की से। हम कहाँ बोले, तो इसीलिए तो हम कुछ बोले भी नहीं ना, आप ही तो बोल रहे, हम कहाँ कुछ बोले। आप पहले बोलते थे ना, फर्स्ट बार हिम्मत, अगर हम वहाँ पे होते तो पता नहीं क्या करते कि एक टेबल में लोग बैठ के खाना खा रहा है। हम शुक्र बना कि हम गए नहीं, तो वहाँ पे नहीं तो तमाशा बना देते शादी घर में। आप नहीं गए थे तो उसीलिए वहाँ पे नहीं, तो आप ही वहाँ बगल में रहते, उस साइड वो रहता है, तो उधर बैठते क्या, आप उठ के चले आते हैं? तो हम रहते वो अलग बात है ना, तो आप नहीं थे तो हम क्या करेंगे? तो हमको दो जन कम्प्लेन क्या की, आप नहीं आए थे शादी में, उसी नगर का आदमी राजू बैठा था, देखे थे उसका बहन के साथ वहाँ पे, आप क्यों नहीं आए शादी में? तो हमको खराब नहीं लगता उसका बहन के साथ, तो जिसके साथ बैठे थे वो लड़की से भी आप पूछ सकते हैं थे क्या बात किए क्या नहीं किए। आरएस मेरा नंबर भी उसको और अच्छा दे दिया। अच्छा, उसका नंबर इसीलिए दिए क्योंकि मेरा नंबर उसका भाई से पास से शायद वो पा गई थी, और मेरे को जब भी मैं उधर पार होता था तो मेरे को बोलती थी रोशनी का नंबर, तो रोशनी से बात कराओ, तो मैं परेशान होकर रोशनी का नंबर दे दिया, और बोला मेरे को, और रोशनी का नंबर किसी को शेयर नहीं कीजिएगा, मैं बोल दिया उसको, बस चले आया। तो इसमें मेरा क्या गलती है, मैं क्या, आप ही बोलते हो वो लड़की सही नहीं है, और आप ही उसको मेरा नंबर देते हो। सही नहीं है लड़की, लड़की है, आपसे बात भी तो ऐसे ही तो होता है, आपका तो ये फेसबुक से भी उसके साथ बात होता वो है। कुछ स्टोरी लगाए, सो क्यूट ए लिखती है, थैंक यू लिखते, उससे ज्यादा बात हुआ तो चेक कर सकते हो फेसबुक में, मेरी फ्रेंड नहीं है वो, समझ में आया? फ्रेंड मत बोलो, वो कहाँ कहाँ की यार, हम कहाँ का, उसमें यार हमें बहुत अंतर। सही है, तो आप मेरा दोस्त, इसमें मेरा गलती दे दिए, हम कहीं बैठ भी गए अगर खाने तो उसमें गलती हो गया, ठीक है। गाइस गाइस एक सेकंड, ऐसे जैसे एक साथ चार चेयर होता खाने में, इधर जैसे हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ पे रोशनी बैठी है, ठीक है, उसका ऑपोजिट साइड कोई भी बैठे तो किसी को मना कर सकते ना, हम क्यों उठे वहाँ से, आगे से हम बैठे हुए हैं वहाँ पे, जब ऑलरेडी हम बैठ गए थे ना ऑलरेडी, और हम बीच खाना खा के भी उठ गए थे, हम ज्यादा खाना भी नहीं खाए, मछली भी जब दिया हमको खाना बोरिंग सा लगा, हम उठ के चले आए, ठीक है, हम खाए भी नहीं, और पूछ सकते हैं वहाँ एक बच्चा था, बच्चा को अच्छा सा जानते हैं, और वहाँ क्या बोले थे क्या नहीं, ठीक है, ठीक है। और दूसरा चीज गाइस आप लोगों को बता, रोशनी जो मेरे ऊपर शक कर रही है, और जो फोन कर रहा है, ये कर रहा वो कर रहा, ये सिर्फ एक प्रैंक था जो रोशनी को नहीं पता था, दीदी को पता है, आप दीदी से पूछ लीजिएगा, दीदी से पूछ लीजिएगा ना, मैं झूठ बोल रहा था, दीदी तो झूठ नहीं बोलेगी आपको। अच्छा ठीक है, बात बाकी बात दो, अभी का क्या होता है, मेरा हर पूजा पाठ हर एक चीज बोरिंग चल जाता है, और आरएस अकेले फ्रेंड के साथ एंजॉय कर लेता है, मैं मतलब आरएस शादी से पहले जिस तरह लाइफ जीता था अभी भी वही जी रहा, बस हम घर में बंद रहते हैं चार दीवार, यही है। क्या करेंगे बोली, हम घर में रहे, हम खाना बनाए, खाना बनाने का जैसे क्या पूजा पाठ हुआ, अब हाँ तो नहीं जाते हैं, दुर्गा पूजा ऐसे पार हो गया, काली पूजा ऐसे पार हो गया, बस जितना दिन गाइस दुर्गा पूजा था उतना दिन इसको हम मंदिर ले गए हैं साइन दिखाने के लिए, जो होता है
ठीक है। और ऊपर से कहीं भी ऐसा नहीं है, जो छठ पूजा में खाली नहीं गए हैं हम लोग, ना हम गए हैं या हम अपने नहीं गए हैं, क्योंकि हमको उस दिन छठ पूजा दिन कुछ शायद था, छठ पूजा दिन क्या था, हाँ छठ पूजा हम नहीं देखने गए थे क्योंकि मेरा मोबाइल चोरी हो गया था उस टाइम, और मेरा मूड ऑफ था ऐसे ही, और ऊपर से अभी मोबाइल तो मिल गया है, मोबाइल मिल गया, आप लोग सोच रहे हो कहाँ है मोबाइल, तो मोबाइल हाथ में नहीं है दोस्तों, मोबाइल के लिए लास्ट अभी लास्ट डील जो हुआ वो 10,000 मांग रहा है, तो 10,000 देंगे तब आईफोन जाके हमको देगा, तो अभी 10,000 भी पैसा नहीं है जो हम आईफोन ले सकें, तो अभी वीडियो बना रहे हैं और उसी लिए और कुछ अलग बनाने खोज रहे थे, तो रोशनी देख सकते हो मेरे ऊपर जो सो ब्लेम अभी लगा रही थी, ब्लेम नहीं जो रियल है वही हम रियल है, तो हम तो आपको आप मैच्योर नहीं है कि आपको नहीं पता है, हम अगर कुछ गलत करेंगे तो बात नहीं आएगा, हम वहाँ पे इतना आपको पब्लिक के बीच में हम बैठेंगे, हम बैठेंगे उसके पास ना, वो आके बैठी होगी, आपको भी तो ये होगा, चीज बोलना चाहते हैं मतलब हमको दिखता है, हम समझ में आता है कि आरएस को मेरे साथ जाने में कहीं पे भी अच्छा नहीं लगता, अकेले जाने में अच्छा, ये आपको लगता है ठीक है। और एक सेकंड, शादी में जाएगी ऊपर वन से पूछ लेता है, अच्छा ये तो आपको कैसे पता चला कि ऊपर मैन से ही पूछ रहे हैं, पता चल जाता गाइस, अच्छा का जमाना ही नहीं रहा, जब देख 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 सकते हो ना आप लोग, मैं इसको पूछा जब भी जाता हूँ शादी घर में पूछता हूँ, तो ये नहीं जाएगी तो मेरे को जाना पड़ता, क्योंकि पापा जी बोलते हैं हर शादी घर अटेंड करो, क्योंकि सबका शादी घर जाना पड़ेगा, क्योंकि तब सब आया है तब सबका भी जाना भी पड़ेगा, दो दिन से हम आगे से ही बोल के रखे थे कि शादी, हम बोले इसको जूता धो देंगे शादी घर जाएंगे, रात तक ऐसा मूड बना देता है कि हम खुद से ही मना कर देंगे, क्या मूड कर दिए हम नहीं तो बता सकते हैं, वो सब रिवील नहीं हुआ है, नहीं तभी बता दूंगे क्या, ठीक है मेरा ही गलती है और क्या हम कैसे बताएं। सो चलिए आज के लिए बस इतना ही रहेगा, और एक चीज जो फोन वाला बात था वो दीदी से पहले आप जाके पूछ लीजिएगा, और एक ब्लॉग इसके बाद दे दीजिएगा जो मेरा क्या सच्चाई है ओरिजिनल में, धोखेबाज हैं या नहीं है ये सब चीज, ठीक है। सो चलिए दोस्तों मिलते हैं इस आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए सी यू टाटा।